तो आज का श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं वो है इस भगवद गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक को। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवाभि अवाप्यते। तो इस अध्याय जैसे प्रश्न से शुरू हुआ, अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि कौन क्या श्रेष्ठ है, भक्ति योग या निर्विशेष ब्रह्म की पूजा, और भगवान ने तुरंत उनको कहा कि सबसे श्रेष्ठ जो है वो भक्ति योग है। और तीसरे और चौथे श्लोक में उन्होंने बताया कि क्यों, और अब यहाँ पे भी भगवान कहते हैं कि ये जो पथ है, ये जो मार्ग है, ये निर्विशेष ब्रह्म का जो मार्ग है वो क्लेश अधिक तरस, मतलब ये जो है बहुत ही, एक तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो है क्लेश मतलब कष्ट, आसान नहीं, कष्ट कठिन है, अधिकतर अत्यधिक कष्ट तो है लेकिन थोड़ा नहीं, अत्यधिक कष्ट। क्लेशो अधिकतरस्तेषु अव्यक्त, अव्यक्त के प्रति जो आसक्ति है, ये जो है बहुत क्लेश है, क्योंकि देहवाद, यहाँ पे भगवान बताते देह वब्धि मतलब देहधारी के व्यक्ति के लिए ये बहुत ही जो है कठिन है। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, आसान नहीं। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, तो ये आसान नहीं है। भगवान यहां बताते कि क्यों भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भक्ति जो है, और ये जो कठिन मार्ग है, उस कठिन मार्ग में चलने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि सफलता मिल पाएगी कि नहीं। तो इसीलिए हमें जो है, जो मार्ग हमें शत प्रतिशत लाभ दिला सकती है, वही मार्ग अच्छा है, और वो है भक्ति। यहाँ पे दो चीजें बताई गई है कि आध्यात्मवादियों को का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। तो ये निर्विशेष स्वरूप का पथ, अव्यक्त, अव्यक्त निराकार स्वरूप का पथ का अनुसरण जो करता है उसको क्या कहते हैं, ज्ञान योगी कहलाता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वह भक्ति योगी कहलाते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की योगियों का वर्णन किया जा रहा है, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान योग जो है अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा, वो पहुंचाता है। तो यहां पे ये बताया जा रहा है
कि ज्ञान योग का पद यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य एक ही है, भगवत धाम वापस जाना, भगवान के धाम में वापस जाना लक्ष्य एक ही है, और दोनों से ज्ञान योग से भी पहुंच सकते हैं, भक्ति योग से भी पहुंच, गलत है नहीं। लेकिन ये जो ज्ञान योग का मार्ग है अत्यंत कष्टकारक है, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। सुगम स्वाभाविक भक्ति योग, दो पॉइंट यहां पे बताए क्यों श्रेष्ठ है सभी बाकी के योग से या ज्ञान योग से। ज्ञान योग से क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सरल है, सुगम है और स्वाभाविक भी है, नेचुरल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है, स्वाभाविक रूप से उसको किया जा सकता है। जीव अनादिकाल से देहदारी है, देहदारी मतलब जिसने इस देह को धारण किया है, जीवात्मा जो है देह को धारण करता है तब उसको देहदारी कहता है, कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से उनके लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वे शरीर नहीं है। अभी इतने जैसे कि यहां बताया कि अनादि काल से ये आदत हो गई है देह धारण करने की, तो कठिन है कि समझने के लिए कि वे शरीर नहीं है, वे आत्मा है, बहुत कठिन है। तो इसीलिए ये मार्ग जो है अपनाना कठिन है। अतएव भक्ति योग कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उनसे मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो वो रहता ही है। इसीलिए ये निर्गुण ब्रह्म या निराकार ब्रह्म की पूजा करने के लिए उनको बहुत, क्योंकि हम जो है हमारा रूप है, हम देह को धारण किए हैं, तो ये स्वाभाविक है कि हम भी जो है देह के जो ये आदत है वो भगवान के विग्रह से हम कनेक्शन कर सकते हैं। हम रूप का हमारा अनुभव है, बिना रूप का कोई अनुभव नहीं है, इतना वो कठिन है। तो इसीलिए ये जो अच्छा विग्रह या विग्रह की पूजा जो है, जो भक्ति योग का मार्ग है, ये जो है स्वाभाविक रूप से सरल और सुगम है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं। अभी मूर्ति पूजा और विग्रह अर्च विग्रह में अंतर किया है। भगवान के मंदिर में जो मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं है, लेकिन भगवान जो है उसमें विराजमान है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, सगुण निर्गुण है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप का को चाहे पत्थर, लकड़ी,
या पहली चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। तो भगवान के रूप, जैसे कि भगवान की अर्च विग्रह जो है, भगवान की अर्च विग्रह की पूजा यानी धातुओं से है, चाहे वो पत्थर है या चाहे लकड़ी है या और कोई पंच धातु है या अष्ट धातु है, अनेक अनेक रूप, और ये जो है भौतिक नहीं है, परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। और ये शास्त्रों के अनुसार जो है भगवान का ये अर्च विग्रह, जैसे कि आप लोगों ने, हमने कुछ दिन पहले, हाँ मुझे याद आ रहा है कि वो जो सीढ़ी है वो लेना जरूरी है, अगर मिल जाए वृंदावन में। उसमें बहुत सुंदर रूप से जब मायापुर मंदिर का जब स्थापना गिट्टी इंस्टॉलेशन सेरेमनी जो था, बहुत सुंदर सीडी बनाया था, बहुत सुंदर डीवीडी बनाया था, पूरा किस प्रकार से अर्च विग्रह शास्त्रों के अनुसार, जो परब्रह्म भगवान का अर्च विग्रह किस प्रकार से बनाया जाता है, वो शिल्प कला के अनुसार, जो भगवान के नेत्र है या भगवान का सुंदर मुख है, उनके हाथ है, उनका पूरा शरीर कैसा है, ये पूरा जो वर्णन जो है शास्त्रों में बताया, ये सगुण रूप भगवान का। और इस शास्त्रों के अनुसार जो है जो मूर्ति है या विग्रह है उनको बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई अपने मन की कल्पना से कोई विग्रह को बना, भगवान कैसे है, वो कैसे दिखते हैं, वे कैसे खड़े हैं, ये सब वर्णन किया गया है, उनके शरीर पे कौन से चिन्ह है। तो हम देखते हैं कोई भी विग्रह अगर हम जाए, अगर वही विग्रह खरीदना है तो ऐसे नहीं बनाया जाता है, वो शास्त्रों के अनुसार जो विधि विधानों के अनुसार बनाया जाता है। और मायापुर के जो पंचतत्व देतीस का ये पूरा, ये आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा था, फिर से देखना भी चाह रहे थे, आप लोग देखेंगे एक बार वापस। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि धातु वही है, कोई कहेगा ये पत्थर है, लेकिन पत्थर अर्च विग्रह पत्थर का बनाया हुआ है, ऐसे कहेंगे कि ये तो पत्थर है, भगवान थोड़ी है। लेकिन सामान्य पत्थर और भगवान का जो अर्च विग्रह जो जो इस धातु से बनाया जाता है, उसमें बहुत अंतर है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सड़कों पे के किनारे पत्र पेटिकाएं होती है, पोस्ट बॉक्स, मेल बॉक्स, हम जैसे पहले हम लोग डालते थे पत्र लिखते तो मेल बॉक्स में डाल जाके डालते हैं, और जब मेल बॉक्स में डालेंगे पत्र तो अपने जहां पहुंचाना है गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता था। तो इस प्रकार से जैसे कि लाल कलर का बॉक्स, हाँ, उसमें लिखा है पोस्टल सर्विसेज ऑफ इंडिया या जो कुछ भी है, हाँ, उसमें समय भी लिखा जाता है, क्लियरिंग टाइम, ये टाइम, वो टाइम, सब दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये पत्र का बॉक्स है, इसमें जो अगर ये एक प्रतीक है किसका, पोस्टल सर्विसेज का, क्योंकि अगर हम इसमें डालेंगे तो हमारा पत्र पहुंच जाए। पर अगर ऐसा ही दूसरा एक लाल बॉक्स है, दिखता है ऐसे ही, कोई अंतर नहीं है, एक जैसा ही दिखता है, लेकिन वो जो है प्रमाणित नहीं है। अगर हम उसके जैसे चिन्ह नहीं है, स्टैंप नहीं है, ऑथराइज नहीं है, तो अगर इसमें अगर हम अपना
लिए वो जो है गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। तो भगवान ने अपने अच्छे विग्रह इस स्वरूप है उनका, और जैसे कि अच्छे विग्रह अपना प्रामाणिक बोध स्वरूप बना रखा है, यह अर्च्य विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। अर्च्य विग्रह जो है मंदिर में, जो अर्च्य विग्रह है ये क्या है, स्वयं भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं, हम देख रहे हैं अपने आंखों के सामने हम भगवान को देख रहे हैं, और हम भगवान के साथ इस प्रकार से हमारा संबंध जोड़ सकते हैं। तो ये भगवान का एक रूप है, इनको पत्थर नहीं मानना चाहिए या लकड़ी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये प्रामाणिक है और हमें वही लाभ दिला सकता है जैसे कि साक्षात अगर भगवान हमारे सामने खड़े हो जाते, कोई अंतर नहीं। अर्च्य विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब हम अर्च्य विग्रह को देखते तो हम ये जान सकते हैं कि अर्च्य विग्रह स्वयं भगवान हमारे सामने खड़े होकर हमें दर्शन दे रहे हैं। इसको कहते हैं भक्ति योग की विधि, और इस भक्ति योग की विधि में जैसे कि रूप गोस्वामी ने हमें बताए हैं कि पांच विधियां हैं, पांच अच्छे हैं, उनमें से एक है अर्च्य विग्रह की सेवा, धामवास, भक्तों का संग, ये सब बताए। विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो हमें ऐसा सामान नहीं समझना चाहिए। अगर हम अपने घर में भगवान को अर्च्य विग्रह के रूप में करते हैं तो हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वे ऐसे ही पत्थर जैसे बैठे, नहीं, स्वयं भगवान वहां पे विराजमान है। और जब हम पूजा करते हैं तो जिस प्रकार से जब भगवान हमारे सामने हैं वैसे ही हमें उनके साथ संबंध जोड़ना है। और भगवान जो है इस हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्च्य विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिसमें बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। तो हमारी सुविधा के लिए भगवान अपनी असीम कृपा अर्च्य विग्रह के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, ताकि हम अपना मन, अपनी इंद्रियां और अपना सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और ये जो है स्वाभाविक रूप से। आगे प्रभुपाद जी और भी बताते हैं किस प्रकार से, इस प्रकार से भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं, सरलता से। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए ये मार्ग कठिन है। आंख बंद करके कुछ
नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं, निराकार, कोई रूप नहीं, कुछ नहीं, कैसे हो सकता है? कैसे हम संबंध इस हवा में भगवान को देखने की कोशिश कर रहे हैं? देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए विधि उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कठिन रास्ता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, कठिन है, कि इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे कि ये भक्ति योग जो है बहुत सरल, सुगम, आनंदमय और डायरेक्ट, तुरंत। बाकी के योग में कोई गारंटी नहीं। तो उन्हें जो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए ये मार्ग कठिन है। उन्हें क्या करना होता है? उन्हें उपनिषदों जैसे वेदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रिया तेत अनुभूतियों को समझना होता है, और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं है, डिफिकल्ट। भगवान के कृष्ण भावनामृत में भक्तिरथ मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता। आसान, क्या ये कोई कठिन है या कोई चीज है जो कोई नहीं कर सकता? कोई नहीं कर सकता। मात्र अर्च विग्रह की को नियमित नमस्कार, बस भगवान के सामने ऑलरेडी पहुंच गए ना। भगवान है सामने, जो हमें इतना लंबा मार्ग ये सब समझना, उपनिषदों को पढ़ना, सुभाषा को समझना, ये सब नियमों का तपस्या करके, और फिर भी गारंटी नहीं है कि पहुंच पाएंगे कि नहीं। पर ये जो भक्ति का मार्ग है, एक क्षण में हम भगवान के सामने उपस्थित खड़े हो जाते, उनको नमस्कार करते, भगवान को साक्षात दर्शन करते। उनके महिमा का श्रवण करते हैं, उनको जान लेते हैं, दर्शन करते हैं, जान लेते हैं, उनके चढ़ाए हुए प्रसाद को का स्वाद चखते हैं, और क्या चले। इसीलिए इतना सारा तपस्या, इतना सारा लंबा म्यार सब अध्ययन करके, और फिर भी कोई जन गारंटी नहीं कि वहां आप तक तो पहुंचेगी कि नहीं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं। आई वेस्टिंग टाइम, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध सदिग्ध बना रहता है, किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। सीधा रास्ता, बिना कोई कष्ट।
ऐसी ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहां यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है तो उसका परिणाम अत्यंत कष्ट कारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्मा साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है, अनिश्चित है। कठिन है और भक्ति योग का जो मार्ग है वो सरल और स्वाभाविक है। क्या कठिनाई है किसी को? कोई तकलीफ है भगवान का दर्शन करने के लिए जाने के लिए? कोई कठिन है कि किसी के लिए? नहीं। भगवान के श्रवण, भगवान का गुणगान सुनने के लिए कठिनाई है? नहीं। भगवान का प्रसाद खाने में कोई तकलीफ है किसी को? जब हम भगवान का प्रसाद खाते खाते ही भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम? क्यों इतना सब कष्ट? एक पैर पे हजारों साल तक खड़ा रहना कोई मतलब नहीं। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत तथा ये चित पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्रांति नहीं हो पाती। और इस पथ पे भी जो है निर्विशेष शून्यवादी पथ पे जो है आनंद नहीं, फिर भक्ति में आनंद ही आनंद, क्योंकि हमारा स्वरूप भी ऐसा ही है, सच्चित आनंद। हम आनंद की खोज में, तो जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो हम इस आनंद की अनुभूति करते हैं। तो यहां पर यह बताया, अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। बाकी के योगियों को अगर देखेंगे बहुत शांत गंभीर, और भक्त को देखेंगे तो हमेशा नाचते कूदते गाते रहते, स्वाभाविक रूप से अपना कार्य भी कर रहे, लेकिन वे उस अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगे हुए हैं। तो ये भक्ति जो है बहुत ही आनंदमय है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्मा स्व के प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाएं। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की
विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जो भगवान ने बताया। क्या है ये? जो कृष्ण चेतन विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिनमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। तो चांस है, अगर हम भक्ति में नहीं लगेंगे तो नास्तिक होने का संकट हो सकता है। अतएव अव्यक्त विषय एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, ये अव्यक्त विषय ये इंद्रियों से परे है। जैसे कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है कि इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण के ने इसका उपदेश नहीं दिया है, भगवान ने ये नहीं किया। भगवान कहते हैं कि मेरे साकार की पूजा करनी चाहिए और भगवान की अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और ये भक्ति का मार्ग जो है सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वो सरल है, सुगम है और डायरेक्ट है। अंतिम सभी मार्ग वहां ही ले जाता है, लेकिन कुछ मार्ग सीधे हैं, कुछ मार्ग घूम के। जैसे कि हम यहाँ से बॉम्बे से मथुरा आए, पहुंचना था मथुरा और डायरेक्ट रूट है, लेकिन रूट में कुछ रुकावट थी तो हमारी गाड़ी जो है ऐसे घूम के फिर मथुरा पहुंची, लेकिन पहुंची जल्द। 18 घंटे के बदले 24 घंटा पहुंचेगा, लेकिन कष्ट हुआ। तो जब सीधा, जैसे कि हम एक बिल्डिंग में खड़े हैं नीचे, हमें 18वें माले पे जाना है, तो 2 मार्ग है, सीढ़ियों का मार्ग है, एलिवेटर का मार्ग। पहुंचेंगे सीढ़ियों से भी जा जाके पहुंचेंगे, पर जब एलिवेटर लेके सीधा तुरंत पहुंच सकते हैं तो ये सीढ़ी का मार्ग इतना कष्टप्रद मार्ग को अपनाने से कोई मतलब नहीं है। यहीं पे भगवान कह रहे हैं कि ये जो निर्विशेष अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति जो आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ये क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर पॉइंट किया? फॉरगेट एवरीथिंग, भक्ति करो। इन शॉर्ट, 1 लाइन, भक्ति योग। भक्ति योग मतलब कृष्ण भावना भाव योग, कृष्ण कार्य, जैसे कि यहाँ पे बताया कृष्ण चेतन। बस इन 5 श्लोकों में ये बताया। आगे भगवान बताए कैसे भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से हम लगना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रीमद्भगवद्गीता की जय।